हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी पीजीटी का 2021 का रिजल्ट आ चुका है। यदि आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है, तुरंत अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। तो रिजल्ट आने के बाद जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, ईडब्ल्यूएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, टोटल वैकेंसी कितनी है इत्यादि। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, से आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट की। 1/7/2021 से आपकी एज काउंट की गई थी। मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो टोटल वैकेंसीज में थी 2,595 पोस्ट नेम, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टीजीटी बालक, जनरल की 1,315, ओबीसी की 633 वैकेंसी, एससी की 326 वैकेंसी, एसटी की 7 वैकेंसी। टोटल वैकेंसीज में थी 2,281। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे रिलेटेड सब्जेक्ट से। अब बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टीजीटी बालिका की, कितनी वैकेंसी हैं। जनरल की 193, ओबीसी की 83, एससी की 38 और एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल वैकेंसीज की बात करें 314 वैकेंसी इसमें, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे, 2,595 वैकेंसी थी इसमें, ओके। गाइस, यदि आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया हो तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो देखिए, पूरे 11 सब्जेक्ट का ये कट ऑफ है और ये जो मैंने कट ऑफ बनाया है जनरल के बेस पर बनाया है, क्योंकि एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं उनका जो कट ऑफ है काफ़ी हाई गया है, और जनरल वाले जो बच्चे हैं उनका जो कट ऑफ है काफ़ी लो गया है। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वाले जो बच्चे वीडियो देखें, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो आप लोग कि इतना हाई कैसे जा सकता है, क्योंकि ये जो मैंने कट ऑफ बनाया है जनरल के बेस पर मैंने बनाया है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये जो मैंने कट ऑफ बनाया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनरल के बेस पर मैंने कट ऑफ बनाया है, क्योंकि एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं उनका जो कट ऑफ है काफ़ी हाई गया है और जनरल का जो कट ऑफ है काफ़ी लो गया है। और जो मैं कट ऑफ बना रहा हूँ जनरल के बेस पर ही कट ऑफ बना रहा हूँ, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि सिविक्स का कितना कट ऑफ गया है। तो सिविक्स का जो कट ऑफ है 105 प्लस कट ऑफ गया है। जो ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं इनका जो कट ऑफ है 90 प्लस गया है। सोशलॉजी की बात करूँगा तो सोशलॉजी वाले जो बच्चे हैं इनका जो कट ऑफ है 115 प्लस गया है। इकोनॉमिक्स की बात करूँगा, जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं इनका जो कट ऑफ है 105 प्लस गया है। अब देखिए, हिस्ट्री का कट ऑफ 97 प्लस गया है, और एससी में एक स्टूडेंट था उसके 97 प्लस नंबर आ रहे थे लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब देखिए, जनरल का जो कट ऑफ है 97 प्लस गया, उनका सिलेक्शन हो गया है, और जो बच्चे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में आ रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब देखिए, हिंदी में भी वही हाल है, हिंदी का जो कट ऑफ है 91 प्लस गया है, और देखिए एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले जो बच्चे उनके नंबर 91 प्लस आ रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। काफ़ी हाई कट ऑफ गया है, जा रहा है जनरल नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी वालों का, और जनरल का जो कट ऑफ है वो काफ़ी लो गया है। अब देखिए, जनरल का जो कट ऑफ है, जनरल के बेस मैंने वीडियो बनाया है, जो कट ऑफ ये आपका पूरा है जनरल के बेस पर मैंने बनाया है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि इतना हाई कट ऑफ कैसे गया है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एग्रीकल्चर की बात करूंगा तो एग्रीकल्चर का जो कट ऑफ है 100 प्लस गया है। एजुकेशन की बात करूंगा तो एजुकेशन का जो कट ऑफ है 100 प्लस गया है। और फिजिकल एजुकेशन की बात करूंगा तो फिजिकल एजुकेशन का जो कट ऑफ है 100 प्लस गया है। कॉमर्स की बात करूंगा, कॉमर्स का जो कट ऑफ है 104 प्लस गया है, और म्यूजिक वोकल का कट ऑफ 105 प्लस गया है। तो मैं फिर से कंफर्म कर देता हूं कि ये जो मैंने कट ऑफ बनाया है जनरल के बेस पर कट ऑफ बनाया है, क्योंकि मैंने देखा है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे उनका कट ऑफ काफ़ी हाई गया है और जनरल वालों का कट ऑफ काफ़ी लो गया है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा आप लोग कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।